जैसे कि दोस्त लोग आप लोगों को पता है शरीर के लिए व्यायाम जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज के साथ अच्छे डाइट होना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आज डाइट पूरा करते हुए आप लोगों को निंजा टेक्निक, बहुत ही साधारण टेक्निक में ये। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को गबर 43 यानी कि गबर किचन में स्वागत करता हूँ। आज मैं बनाने जा रहा हूँ टर्की, दो तरीका का है वो, टर्की का नेक और ये बोनलेस टर्की का मीट, 1 kg 1 kg 1 kg का। और उसमें प्याज, अदरक, लहसुन और हल्दी के साथ में आज ये कुक करने जा रहा हूँ। और आज सितंबर 20 सुबह की 11 बज चुके हैं और इस ब्लॉग को मैं हिंदी में बनाऊँ, ताकि एक भाई हमारे गुजराती भाई ने रिक्वेस्ट किया था हिंदी में बनाने के लिए, बोला मैं आज भाई कभी कभी हिंदी में बनाया लो, ओके बना देंगे। तो आज का ब्लॉग भीम भाई आपके नाम, ठीक है। और मीट अभी धो के इसको फ्राई करेंगे। दिस इज द मीट, ओके। तो गाइस ये है दूसरा मीट, वैसे तो टर्की का ही है, वो नेक का, ये नेक का पार्ट है टर्की का। तो इसको धोएंगे अच्छी तरह से, इसको मिक्स करेंगे आज हम। और इसराइल में कहीं भी जाइए, इस प्रकार का, इस तरीका से खाना कभी भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। बहुत ही साधारण खाना है लेकिन बहुत ही लाजवाब टेस्टी मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ। आप लोग ये भी अप्लाई कर सकते हैं अपने घर में, अपने काम में, अपने चिकन बनाने का निंजा टेक्निक, ओके। घर में आराम से कर चुके हैं, लेवल 2 हमने पार कर चुके हैं। अब इसको हम काटेंगे, छोटा छोटा से पीस बनाएंगे क्योंकि ये पीस बड़ा बड़ा है, देखिए। सो गाइस, लेवल 2 का काम खत्म होते ही हम अभी लेवल 3 में जा रहे हैं। पहली बात तो ये होगा फ्राई, ये चिकन होगा फ्राई, और उसके बाद मैं इसको डालूंगा। ये फ्राई नहीं होगा, ये इसको डीप फ्राई करेंगे, मैं जितना हो सके डीप फ्राई करेंगे। हम बर्तन तैयार कर रहे हैं, इसमें तेल डालेंगे, कितने हैं मीट के हिसाब से और परिवार के हिसाब से और फ्रेंड्स के हिसाब से कितना है उसी हिसाब से तेल डालेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे, डीप फ्राई या नॉर्मल फ्राई करेंगे। तो गाइस हम अभी पहुंचे हैं चौथे पड़ाव में, तो हम जब तक तेल गर्म हो तब तक हम प्याज काटेंगे और मिर्ची काटेंगे, अदरक और इसको साफ करके इसमें डालेंगे, टंग करने में डालेंगे। तब तक इंतजार करिए। हाँ हमारा अफ्रीकन मिर्ची, और खाने पीने वाले शौकीन रखने वाले आप लोगों के लिए आज का स्पेशल ब्लॉग, और मेरा भीम भाई आप लोग देख रहे होंगे तो मुझे बताना कैसा लग रहा है, और मेरा हिंदी कैसा है। तो ये भी खत्म हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, तिल गर्म हो चुके हैं, अभी चिकन जंप करेंगे तेल में, डाल दें सब एक साथ, इससे ज़्यादा नहीं है तो हमने डाल दिया चिकन, डाल देंगे। टर्की के निंजा टेक्निक के 5वें पड़ाव में है, तो गार्लिक और ये जिंजर तैयार हो चुके हैं, इसको हम पीसेंगे इसमें डाल के। तो भी भाई आप देख रहा होगा कि आज का ब्लॉग आपके कहने में हिंदी में बना रहा हूँ। गार्लिक और लहसुन को मैं पीस रहा हूँ ताकि अच्छे से फ्लेवर आ जाए मीट में। तो ये है साधारण तरीका चिकन यानी कि टर्की बनाने का, घर में हो या बाहर। मसाला ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ मसाला होना चाहिए जरूरी, लेकिन ज्यादा नहीं चाहिए। ये तैयार हो गाइस, वेलकम बैक टू गबर किचन वंस अगेन। किन क्या कह रहे, हमारा तेल गरम हो चुका है, फ्रिज में रहने के कारण अब पानी छोड़ दिया है पड़ाव में। तो इसको अभी प्याज डालेंगे, मिर्च फ्राई करना है, थोड़ा फ्राई डीप फ्राई करेंगे, थोड़ा फ्राई और करेंगे हमारा तेल यहां पर, ओके। आँच को थोड़ा सा ढीला कर लेते, छोटा सा कर लेते आँच, और इसमें डालेंगे हम अभी मीट मसाला और पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये डालेंगे। ये है हमारा पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको ढक देंगे 5 मिनट और
पकने देंगे, उसके बाद टमाटर डालेंगे और उसके बाद गर्दन को डालेंगे। तो गाइस ये तो था टर्की बनाने का निंजा टेक्निक, साधारण टेक्निक। तो आइए दोस्तों हम छठे पड़ाव में चलते हैं। अभी टमाटर डाल चुके हैं, अभी मैं इसको गारौन को डालूंगा, मिक्स करूंगा, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद इसको और पकने दूंगा 10-15 मिनट, आंच बड़ा छोटा कर। तो गाइस अभी हमारे घर में पूरा पूरी 12:02। तो आइए दोस्तों एक बार नजर झोंक लेते हैं हमारे मीट में। वाओ 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 सचुदा डैमी डैमी नाइस नाइस वन नाइस वन डैमी कलर कलर एवरीथिंग इज नाइस। हाँ मुझे पता चल चुका है अभी गारौन पकने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं तो मीट तो पक चुका है दोस्त। कृपया और बने रहिए आधा घंटा, उसके बाद सब कुछ फर्स्ट क्लास तैयार। देखिए देखिए देखिए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं सातवां पड़ाव में और ये है टेस्टिंग सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपको हैंडल करने के लिए बातें दो चार बात ध्यान रखना चाहिए। नमक कैसा हुआ, नमक का टेस्ट, और तीखा तो नहीं हुआ उसका टेस्ट। किसी को देने से पहले आपको टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होते हैं, आपको टेस्ट करके मैं बता रहा हूँ। फैंटास्टिक सूप देखते लवली लवली ये दोस्तों आपको आपको फिनिशिंग दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो है हमारा चिकन और गारौन यानी कि गर्दन का मिला जुला कॉम्बिनेशन और निंजा टैक्टिक, बहुत सब कुछ सही है सही मात्रा में। तो अब हम और गाइस कटा हुआ धनिया होने से और भी अच्छा होगा, सोने में सुहागा होगा, इसलिए कटा हुआ धनिया मीट में मिक्स करूंगा मैं और आराम से अच्छे से टेस्ट का आप लोगों को। तो लड़ाई खत्म हो चुकी है गाइस, मीट का आप बाप देख रहे होगा और ये कटा हुआ धनिया। वाह वाह रे सचिन, मान गया उस्ताद, तू तो मुंबई में ताज होटल में होना चाहिए था सचिन। सो गाइस ब्लॉग खत्म करूं इससे पहले बुढ़िया ना आ जाए आप लोगों को इस रोटी के साथ। थोड़ा सा ऊपर से मक्खन लगाओ या तो बटर लगाओ, पलटी कर दो, क्या है जिंदगी। ये है भैया रोटी, इसके साथ जाएगा अभी, इसके साथ जाएगा भैया। यहाँ पर तैयार हो चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 रोटी के साथ, आज होगा गड़बड़। यस घोटाला गड़बड़ घोटाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो गाइस अब हम इस ब्लॉग के अंत में आ चुके हैं। हमारे पास अभी क्या है, पका हुआ चिकन, पका हुआ चिकन और उसके बाद क्या है ये मिर्ची लाल वाला डल्ले खुर्सानी बोलते हैं जिसको, ये आम वाला चटनी और ये है स्पेशल पराठा, पराठा 5 पराठा। तो हम टेस्ट करने जा रहे हैं और आपको बता रहे हैं आज का ये निंजा टेक्निक कैसा हुआ और आप लोगों को टेस्ट करके बताने जा रहा हूं। तो देखिए गाइस अभी मैं फिलहाल एक अकेला हूं इसलिए उसी हिसाब से मैं खाऊंगा 5 रोटी के साथ। थोड़ा सा टेढ़ी डाल लेता हूं और भीम भाई बताना आज का तो कारण कैसा लगा आपको। बुढ़िया आ गया। तो गाइस बुढ़ी घर में प्रवेश हो चुके हैं, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं आज का टेस्टिंग सेरेमनी। ये है नींबू, नहीं नींबू नहीं, आम का अचार और ये है डले घोसानी 1। तो मार दो भाई, लेट मत कर भाई, सचुदा लेट मत कर, जय अन्न देवता, उसने जय अन्न देवता, जय रात। बढ़िया बढ़िया फैंटास्टिक। मीट एक मीट के साथ चलते हैं। फर्स्ट क्लास 100। सो गाइस आज का ब्लॉग मैं इधर ही खत्म कर रहा हूं, मुझे
सराहना जा रही है। जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा मुझे। टिल देन आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक तो बेसिक करना ही होगा, और जो भी नया उसको क्या करना होगा एड्रेस पता है, यहाँ पर बटन है दो तीन कमेंट्स का क्या क्या क्या। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन गबर 43 गबर किचन को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।